अध्यक्ष साहेबांनी अटल क्रीडा महोत्सव एवढा वाजा गाजाने संपूर्ण जिल्हाभर ठेवला आणि जिल्ह्यात तर स्थिती अशी आहे की कितीतरी शाळा जिल्हा परिषदेच्या अशा आहेत की ज्यांच्यात शिक्षक आहेत तर पोरं नाही आणि पोरं आहेत तर शिक्षक नाही. बरोबर. अध्यक्ष साहेबांनी अटल क्रीडा महोत्सवामध्ये मोठे मोठे अभिनेते आणले त्यांच्याकरिता पैसे आहेत पण शाळांमध्ये शिक्षकांकरिता जिल्हा परिषदेमध्ये पैसा नाही. अब विरोधी के मन में तो रहता ही ना कि कुछ अच्छा हुआ तो उसका तो नाम रखेंगे ही. मतलब अच्छी चीज किसी को एक बार में अच्छी लग जाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं. जो अपन तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र मध्ये जातो तेव्हा लोक प्रामुख्याने पंकज रहांगडाले हे भाजपकडून विधानसभेकरिता उमेदवार असू शकतात अशी लोकांची चर्चा आहे. काय पंकज रहांगडाले विधानसभा निवडणुकीकरिता तयार आहेत? बरोबर आहे. महाविकास आघाडीकडून जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाचे जर गुड्डू बोपचे उमेदवार असले तर आपण कशा प्रकारे ही निवडणूक लढणार किंवा ही निवडणूक कशी राहील? वो हर शादी में दूल्हा बनना चाहते और कभी दूल्हा नहीं बने तो उस शादी में फूफा बन जाते. माजी खासदार खुशाल बोपचे जो अपने पार्टी का नहीं हुआ, मतलब एक बार नहीं, एक हाथ बार की नाराजगी समझ में आती है. राजकारण में विचार बदलते पर एक बार विचार बदलते तुम भाजपा छोड़ते हो, एक बार विचार बदलते तुम राष्ट्रवादी जाते हो, एक बार तुम्हारे विचार बदलते तुम्हारे कांग्रेस में जाते हो, एक बार तुम्हारे विचार बदलते तुम फिर भाजपा में आते हो, फिर तुम्हारे एक बार विचार बदलते फिर तुम और कहीं चले जाते हो. ये कोई पॉलिटिक्स नहीं. हर घर जल हर घर नल सुद्धा उपक्रम राबवला, कुठपर्यंत तो उपक्रम पोहोचला? और उसमें हम रात दिन भिड़े हुए. मैं कल ही एक साइट पे विजिट करने गया था. नमस्कार, मी संघर्ष शुक्रे आणि आपण पाहतात झकास मराठीच्या विशेष शुभ बैठक. ह्या आपल्या बैठकीला आजचे पाहुणे आहेत संपूर्ण जिल्ह्याची धुरा ज्यांच्या खांद्यावर आहे असे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पंकज रहांगडाले. सर, स्वागत आहे आपलं झकास मराठीवर. नमस्कार. नमस्कार. आता 2024 म्हणजे आता 8-10 महिन्याच्या नंतरच आता लोकसभा निवडणुका आहेत आणि त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका महाराष्ट्रामध्ये होतील. जेव्हा आपण सर्वसामान्य लोकांशी चर्चा करतो की कोणकोण यावर्षी आमदार बनले पाहिजे अशी तुमची इच्छा आहे, जेव्हा आपण तिरोडा विधानसभा क्षेत्रामध्ये जातो तेव्हा लोक प्रामुख्याने पंकज रहांगडाले हे भाजपकडून विधानसभेकरिता उमेदवार असू शकतात अशी लोकांची चर्चा आहे, काय पंकज रहांगडाले विधानसभा निवडणुकीकरिता तयार आहेत? माझा प्रश्नच नाही. आमचे नेते विजयभाऊ रहांगडाले आमदार आहेत आणि त्यांचा एक चांगला फरक पण त्या विधानसभामध्ये आहे. बरं. मला विश्वास आहे की येणाऱ्या निवडणुकीत तेच उमेदवार राहणार आहे आणि मी भाजपचा कार्यकर्ता आहे. मी त्यांच्यासोबत आहे, खंबीरपणे त्यांच्यासोबत आहे, विशेष नाही. पण अजून लोक म्हणत आहेत की नेहमी लोकांचं असं म्हणतं की नवीन चेहरा लोकांना पाहिजे असते. लोक का एक रहता है व्यू पण त्यांच्या आज अगर मुझे विजय भाव ने हमारी पार्टी ने पूरे नेताओं ने मिलकर अगर जिला परिषद का अध्यक्ष बनने का मौका दिया है, काम करने का मौका दिया है, तो लोग ऐसा विचार कर सकते हैं. पर भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे ब्लड में है. मेरा जन्म ही तो 80 में हुआ जब भारतीय जनता पार्टी का भी जन्म हुआ. मेरा नाम ही पंकज जी जिसका अर्थ होता है कमल. अच्छा. मतलब मेरे पिताजी ने नाम रखते समय भी कमल को नहीं छोड़े. तो वो एक नेचुरल एक भावना रहती है लोगों के मन में. मेरा पर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ. तिरुड़ा गोरेगांव विधानसभा में हमारे नेता हमारे आमदार और जिनका प्रखर नेतृत्व है वो है विजयभाऊ रहांगडाले. तो मेरा प्रश्न ही नहीं उठता. बरा. उसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है. मतलब अच्छा. आणखी काही लोक चर्चा करतात की पंकज रहांगडाले आता युवा आहेत, नवीन चेहरा आहेत आणि ते जर विधानसभेला महायुतीकडून जर उमेदवार असले आणि जर महाविकास आघाडीकडून जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाचे जर गुड्डू बोपचे उमेदवार असले तर आपण कशाप्रकारे ही निवडणूक लढणार किंवा ही निवडणूक कशी राहील? जैसा मैंने आपको बताया कि मैं दावेदार नहीं. बिल्कुल. और गुड्डू बोपचे के बारे में मैं ना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, पर फिर भी आपने उनका नाम ले लिया. वो भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद लड़े, उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से लड़े, खासदार रहे, आमदार रहे. मतलब उन्होंने ऐसा लिखना चाहिए
खासदार भारतीय जनता पार्टी, आमदार भारतीय जनता पार्टी, फिर एक बार आमदार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, एक बार मंडल के अध्यक्ष जो महाराष्ट्र में जल संधारण के अध्यक्ष भी थे वो, राष्ट्रवादी पार्टी उम्मीदवार राष्ट्रवादी पार्टी विधानसभा, फिर उनके लड़के ने लिखना चाहिए उम्मीदवार जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी, फिर उनके लड़के ने लिखना चाहिए उम्मीदवार राष्ट्रवादी पार्टी विधानसभा। पब्लिक उनको बार बार नकार रही। अब किसी और के राजकारण में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है, पर रिजल्ट तो आखिर में पब्लिक देती है और रिजल्ट उनको पब्लिक ने दो बार नकार दिया है। मैं जिला परिषद का अध्यक्ष हूँ, मुझे मालूम है कि जिला परिषद के मतलब उससे जुड़े हुए जितने भी सरपंच रहते, सदस्य रहते, आमदार रहते, खासदार रहते, वो एक ना एक बार या फिर कोई राजकारणी भी जो दूसरे भी पार्टी के होंगे, लोगों के काम के लिए एक बार तो फोन करते ना। बिल्कुल। मेरे राजकारण में अभी जब से मैं जिला परिषद का अध्यक्ष हूँ, आपने लोगों की समस्या के लिए कभी एक बार भी एक फोन नहीं किया है। मतलब आप कितने सीरियस हो ये मुझे समझ में आता है। क्या उनको मालूम है कि महिलाओं की समस्या क्या है? आप बार बार किसी पर भी आरोप लगा देते हो कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम अच्छा नहीं हो रहा है। आरोप लगाने से नहीं होगा, काम करके भी दिखाना पड़ेगा। अब आप मैं 100% बोल रहा हूँ, आप पूछने जाए ना, जब भी जाओगे वो आपको जवाब देंगे कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला। अब आप पत्रकार रहो कि आप कोई भी सामाजिक क्षेत्र में काम करो, आमदार खासदार मेंबर जिला परिषद मेंबर पार्षद बनने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप लोगों को पब्लिक का काम करना है तो। बिल्कुल, ये तो एक मौका है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसमें इलेक्शन होते, हमको मौका मिलता है और हम लोगों के काम करते। मौका नहीं भी मिला तो लोग काम करते। बिल्कुल, जिसको मौका मिला है उससे काम करवाते हैं। अगर मुझे कोई विधानसभा में कोई काम है मान लो पब्लिक के मैटर पे, तो हम किसी आमदार के पास जाएंगे ना, उसमें पार्टी थोड़ी सोचते। जहाँ केंद्र का कोई मैटर रहेगा, कोई केंद्र की समस्या रहेगी, केंद्र के लिए कुछ योजनाओं की बात रहेगी, तो हम अपने खासदार के पास जाते। बिल्कुल, पब्लिक के लिए जाने में और पूछने में करने में, आरोप लगाना और काम करना, ये दोनों में फर्क है। उनको थोड़ा सा मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। राजकारण में दो टाइप के लोग रहते हैं। एक रहता है जो दूसरों को हाथ पकड़ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं, और एक का शौक रहता है कि वो हर शादी में दूल्हा बनना चाहते हैं, और कभी दूल्हा नहीं बने तो उस शादी में फूफा बन जाते हैं। मतलब ये मैं किसी फूफा को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वो फूफा जो होता है ना, वो शादी में नाराज ही रहता है कि मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे तो किसी ने खाना नहीं पूछा, मुझे तो किसी ने बारात में चलने नहीं बोला। तो जब जब इनको जिस शादी में ये दूल्हा रहेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतना दिया, आपके पिताजी को दिया, आपको भी मौका दिया, ऐसा रात को 12 बजे और 2 बजे क्या हो गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ा? मतलब आप जब भारतीय जनता पार्टी में हो, आपको मौका मिला तो सब ठीक है। पंकज रांडा ने भी भारतीय जनता पार्टी में काम किया, उसकी इच्छा थी जिला परिषद लड़ने की, उसको मौका पार्टी ने उस समय लगा हुआ कि नहीं नहीं उसको मौका नहीं देना चाहिए, दूसरे को देना चाहिए, तो इसका मतलब मैं पार्टी छोड़ दूँ। पद 5 है, मांगने वाले 50 है, इच्छा सबकी होती है, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। मतलब मेरा इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिस शादी में दूल्हे होते तो वहाँ बहुत खुश होते, जिस शादी में दूल्हे नहीं होते तो वहाँ फूफा की जो भूमिका होती है निभाते हैं। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, और उनके अगर कोई समर्थक होंगे तो उनको भी समझने की ज़रूरत है कि जो अपने पार्टी का नहीं हुआ, मतलब एक बार नहीं, एक हाथ बार की नाराजगी समझ में आती है, राजकारण में विचार बदलते हैं, पर एक बार विचार बदलते तुम भाजपा छोड़ते हो, एक बार विचार बदलते तुम राष्ट्रवादी जाते हो, एक बार तुम्हारे विचार बदलते तुम्हारे कांग्रेस में जाते हो, एक बार तुम्हारे विचार बदलते तुम फिर भाजपा में आते हो, फिर तुम्हारे एक बार विचार बदलते फिर तुम और कहीं चले जाते हो।
ये कोई पॉलिटिक्स नहीं, एक हाथ बार की बात समझ में आती है पर ऐसी बार बार की समझ में नहीं आती। अच्छा, जो किसी भी पक्ष का नहीं हुआ तो वो जनता का क्या होगा और फिर किसका क्या होगा। काही लोकांचा आरोप असा आहे की जेव्हा आपण सर्वसामान्य लोकांमध्ये राहतो काही लोक चर्चा करत असतात, लोक चर्चा करतात की अध्यक्ष साहेबांनी अटल क्रीडा महोत्सव एवढा वाजागाजानं संपूर्ण जिल्हाभर ठेवला आणि जिल्ह्यात तर स्थिती अशी आहे की कितीतरी शाळा जिल्हा परिषदेच्या अशा आहेत की ज्यात ज्यात शिक्षक आहेत तर पोरं नाही आणि पोर आहेत तर शिक्षक नाही। बरोबर, अध्यक्ष साहेबांनी अटल क्रीडा महोत्सवामध्ये मोठे मोठे अभिनेते आणले त्यांच्याकरिता पैसे आहेत पण शाळांमध्ये शिक्षकांकरिता जिल्हा परिषदेमध्ये पैसा नाही। दीपिका चिखलियाजी उस कार्यक्रम में आए, दीपिका चिखलियाजी ने कोई उसके लिए पैसे नहीं लिए है। ठीक है, वो भूतपूर्व सांसद है, खासदार है, तो वो खासदार के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, युवा मोर्चे का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो एक संबंध रहते हैं। उन जब उनको मालूम चला कि ऐसा एक कार्यक्रम गोंदिया जिले में हो रहा है तो उन्होंने स्वेच्छा से उनको बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे आने का एक उन्होंने अपना खुच्छा मानस दिखाया, इच्छा दिखाई। अब क्या होता है राजकारण में, जैसे जिला परिषद की जो अटल क्रीड़ा महोत्सव था, मुझे आप एक बात बताइए, 90,000 बच्चे जिसमें सहभाग लेते हैं, पूरे शिक्षक सहभाग लेते हैं, हर बीट स्तर पर कार्यक्रम होता है, हर बीट को पैसे दिए जाते हैं, हर तालुका को पैसे दिए जाते हैं कार्यक्रम करने के, बिल्कुल, उसके बाद भी मात्र 39 से 40 लाख के बीच में उसमें खर्चा होता है। आज एक प्राइवेट स्कूल का गैदरिंग होती है उसमें लाख लाख दो दो लाख रुपए लग जाते हैं, तो इतने कम बजट में कोई दूसरा कार्यक्रम करा के दिखा दे तो मैं उसको मान जाऊँ। इसमें मैंने आप विश्वास नहीं करूँगे कि हमने गांव में किसी को खाना रखने के लिए बोला नहीं था, पर लोगों ने स्वस्फूर्त अपने तरफ से उसमें लोग सहभाग किया और बच्चों के खाने की व्यवस्था, शिक्षकों के भोजन खाने की व्यवस्था ये लोगों ने खुद की। मतलब ये 90,000 बच्चे जो इन्वॉल्व थे उसके बाद मेरे को लगता है कि और कम से कम उनके पीछे 90 से 1 लाख लोग और उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनने उसमें सहयोग भी किया और सहभाग भी किया। अब विरोधी के मन में तो रहता ही है ना कि कुछ अच्छा हुआ तो उसका तो नाम रखेंगे ही, मतलब अच्छी चीज़ किसी को एक बार में अच्छी लग जाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पर खरच जिल्हा परिषदेच्या शाळांची स्थिती फार गंभीर आहे। बरोबर आहे, काय तोडगा याच्यावर काढता येईल? आमचा प्रयास सुरू आहे याबद्दल। कसं आहे, आमच्याजवळ 900 शिक्षक कमी आहेत, आता नवीन 350 शिक्षकांची भरती होणार आहे लवकरच। आम्ही यामध्ये काय केला की जे आमचे 15 वित्त आयोगाचे जे आम्हाला निधी भेटते केंद्र शासनाकडून, त्यामध्ये 220 शिक्षकांची आम्ही नियुक्ती केली मानधनावर, स्वयंसेवक शिक्षक नाही आहे ते स्वयंसेवक आहेत, एक नॉमिनल त्यांना आम्ही मानधन देतो। दुसरा जे आमचे पंचायत समिती आहे त्यांनी यामध्ये सहभाग केला, जे आमचे मोठी ग्रामपंचायत आहे त्यांनी आम्हाला सहभाग केला, तर आम्ही 500 एक्झॅक्ट आकडा माझ्याजवळ आता नाही आहे, 500 शिक्षक आम्ही 15 वित्त आयोगाच्या माध्यमातून घेतले। दुसरा हमारे पास 1,057 के पास स्कूल आहे, 1,057 स्कूल चलाना, उतना इन्फ्रास्ट्रक्चर करना, मात्र डीपीसी जो हमें फंड मिलता है वो बहुत ही नॉमिनल फंड है। जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमने उसमें एक रास्ता निकाला है कि जो ज़्यादा आवश्यक है वहाँ पे हम उसको वर्कखुली के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना जो है पीएम श्री योजना, यानी मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस समय काम कर रहा हूँ कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, हमने जिला परिषद में पीएम श्री स्कूल के माध्यम से भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का एक प्रयास किया है। मेरे कार्यकाल में हमने 4 अटल क्रीड़ा अटल लैब जो है साइंटिफिक लैब वो इस बार आई है, उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है मुझे मालूम है कि 10 बार मुंबई जाओ 10 बार दिल्ली जाओ तब ये सब चीज़ें आती है। अभी हम
एक रोबोटिक आर्म्स की क्लासेस भी हम जिला परिषद के स्कूल में चालू कर रहे हैं। अच्छा, मेरा दावा है कमी जरूर है पर हमारी मानसिकता एकदम राइट है। अभी जो हमारे नए सीओ भी आए वो भी जिला परिषद स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो उनका मेरा भी जब हमेशा डिस्कस होता है और सब सदस्यों का भी डिस्कस होता है कि जिला परिषद की स्कूलें हमको अच्छी करनी है, उसमें अगर लोकसभा हमको मिल जाए थोड़ा सा और बड़ी बड़ी कंपनियां भी थोड़ा सा हेल्प करें तो निश्चित रूप से फंड की कमी नहीं जाएगी। शासन इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। मतलब अभी आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री माझी शाळा एक योजना भी चालू हुई, इसके पहले गांवची शाळा आमची शाळा, हाँ ये भी जिला परिषद में जब भाजपा की सरकार थी तभी वो योजना चालू हुई। उस समय नेत्राम भाऊ शायद जिला परिषद के अध्यक्ष थे, विनोद जी उपाध्यक्ष थे, मतलब बहुत अच्छा काम उस समय भी हुआ। और उसके बाद आज आप रिजल्ट देख रहे कि हमारी स्कूलें आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा भी काम कर रही है, कई टीचर लोग अपना खुद के पैसे से भी उसमें हेल्प करते हैं। मतलब मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको कमी जरूर है पर हमारी मानसिकता दुरुस्त है, और मानसिकता जब दुरुस्त रहती है तो डेफिनेटली मेरे कार्यकाल में जिला परिषद की स्कूलें अच्छी होगी। कुछ कमी है, कुछ सजेशन भी रहे तो हम लोगों से चाहते हैं कि वो हमको हेल्प करें, हमको हेल्प करें मतलब जिला परिषद को हेल्प करें, हमारे बच्चों को हेल्प करें, और वो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट आने वाले समय में आपको। अपन हर घर जल हर घर नल सुद्धा उपक्रम राबवला, कुठपर्यंत तो उपक्रम पोहोचला? देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक संकल्पना है कि आज अगर देश के आज़ादी के 70 और 75 साल के बाद भी, यानी मैं अपना पर्सनल मानता हूँ कि अगर मोदी जी ये योजना लाए जल जीवन मिशन के माध्यम से, और फिर मैं बोला कि मैं तो भाग्यशाली छूँ कि मैं आया, मोदी जी ने वो योजना लाई, उसको लाने का पूरा एक मौका मुझे मिला, और 1200 योजनाएं इस पूरे जिले के अंदर आज वो चालू है, और कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जिसमें जल पहुंचेगा और नल भी नहीं, नल पहुंचेगा, मतलब हर घर में नल हर घर में जल ये पहुंचने वाला है। 2024 की उसकी डेडलाइन भी है और उसमें हम रात दिन भिड़े हुए। मैं कल ही एक साइट पे विजिट करने गया था, गोटापुरी करके गांव है देवरी तालुका में, तो मैंने देखा कि मतलब सरपंच भी उसमें इतने इन्वॉल्व थे, मतलब ये पाइपलाइन जानी चाहिए, ये होना चाहिए, लोगों का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। कुछ थोड़ी बहुत समस्या भी है क्योंकि जब कुछ काम होता है तो कुछ तोड़फोड़ भी होती है, कभी रास्ते खराब भी होते हैं, ये तो चलेगा, जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ पे धूल है, ये तो तय है, पर आने वाले समय में हमारी महिलाओं को शुद्ध पानी मिलेगा इसके लिए हम वचनबद्ध भी है और उसके लिए हम पूरी ताकत से पूरा भिड़ा हुए। तो अपन आता है मुलाखतीच्या शेवटच्या पडावकडे आहोत, अपन एक रॅपिड फायर सेशन घेऊ, जेव्हा मी एखाद्या नेत्याचं नाव घेतो त्याचा आवडणारा तुम्हाला सगळ्यात जास्त कोणता गुण आवडतो, आणि एक गुण असा की त्यांनी थोडं त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट केलं तर बरं वाटेल व्यक्तिगत, त्याला काही ऑफिशियली काही नाही। देवेंद्र फडणवीस तळपदार नेतृत्व। अच्छा, एक गुण असा की तो सर्व गुण संपन्न आहे ते। अच्छा, खासदार प्रफुल्ल पटेल चांगले माणूस आहे। नाना पटोले मिलनसार व्यक्ती। परिणय फुके लोकांसाठी तडपणारा नेता। विजय रांगडाले किसान सर्वसामान्य आणि कार्यकर्त्यांचा आवडता नेता। माजी खासदार खुशाल बोपचे चांगले माणूस आहेत। आणि शेवटी ॲज अ पर्सनली चांगले माणूस आहे। अच्छा, गुड्डू बोपचे नॉन सिनियस पॉलिटिशियन। बरं, तर हे होते गोंदिया जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पंकज रांगडाले, नवीन नवीन उपक्रम ज्यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये राबवलं आणि भविष्यातसुद्धा जे मोठे उपक्रम आहेत ते कशाप्रकारे जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा परिषदेच्या मार्फत राबवून समाजातील शेवटच्या घटकाला कशाप्रकारे ते न्याय देता येईल ह्याकरिता यांचा प्लॅन आहे। जिल्हा परिषद शाळांची स्थितीसुद्धा फार गंभीर आहे आणि त्याकरिता यांनी स्वयंसेवक नियुक्त केलं आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा कसा वाढेल याकरितासुद्धा हे
सतत कार्यरत आहेत असे यांनी म्हणाले आणि भविष्याच्या राजकारणावर सुद्धा यांनी आपले मत प्रकट केले. सर्व प्रश्नांची उत्तरे यांनी रोखठोक अंदाजामध्ये दिली आणि आपण सुद्धा त्याच अंदाजामध्ये संपूर्ण ही मुलाखत शेवटपर्यंत पाहिली, त्याबद्दल आपण सर्वांचे धन्यवाद. खूप खूप आभार.